डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करा कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li2+ ion इज, ऑप्शन ए 3h/2π, बी 9h/2π, सी h/2π और डी h/6π। तो देखिए, आपको एक बात ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो एंगुलर मोमेंट जो होता है, मोमेंटम जो होता है, वो Nh/2π कितना होता है, 2π होता है। अब वो फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो होगा, n की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो ये हो जाएगा h/2π। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ एन आयन इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम हैज़ वेवलेंथ ऑफ 108.5 नैनोमीटर। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस आयन विल बी, और ऑप्शन आपको दिया है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी दिया 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डी दिया है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास में थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज है। बामर सीरीज इसका मतलब कि बामर सीरीज की ग्राउंड स्टेट क्या होती है। तो बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 2 होती है। अब थर्ड लाइन का मतलब 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, तो इसके लिए N की वैल्यू कितनी होगी, 3, इसके लिए N की वैल्यू 4 और इसके लिए N की वैल्यू होगी 5, यानी कि ये थर्ड लाइन हो गई, यानी N2 की वैल्यू 5 हो गई और N1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। ये बामर सीरीज की थर्ड लाइन हो गई, ठीक है ना। ऑफ एन आयन इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब आपको एक आयन दिया हुआ है और उसका एटॉमिक नंबर आपको नहीं दिया है, और वो इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब क्या होगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सीरीज है, ठीक है ना। वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। कह रहा है कि हैज़ अ वेव लेंथ 108.5 नैनोमीटर। इसकी वेव लेंथ जो है, लैम्डा की वैल्यू जो है, वो 108.5 नैनोमीटर है, ठीक है ना। कह रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस आयन विल बी। अब आपको इसके इस आयन के लिए, आयन की जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल बतानी है। इसकी आपको क्या बतानी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल बतानी है। और जब आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल बतानी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है En=-13.6Z²/N², ठीक है। N की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा En यानी ग्राउंड स्टेट यानी 1=-13.6Z² हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका मोटिव क्या है कि अगर आपको ये एनर्जी पता करनी है, तो इसके लिए आपको जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी इस आयन के एटॉमिक नंबर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए।
तो अब इस आयन के एटॉमिक नंबर की वैल्यू जो होगी वो हम रिडवर कांस्टेंट से कैलकुलेट कर लेंगे। रिडवर कांस्टेंट से इसलिए कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब रिडवर फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और रिडवर फार्मूले से इसलिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें एन1 और एन2 की वैल्यू मालूम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पता करेंगे कि जेड की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर हमने रिडवर फार्मूला लगाया, तो रिडवर फार्मूला होता है 1/लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा RHZ² 1/N1² माइनस 1/N2² ठीक है ना। अब 1/लैम्डा की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 108.5 इंटू 10^-9 इक्वल टू आर एच की वैल्यू 1.1 इंटू 10^7 मीटर इनवर्स। जेड की वैल्यू आपको पता करनी तो Z² हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1/N1² तो N1 की वैल्यू कितनी है 2² हो जाएगा, और 1/N2² तो ये क्या हो जाएगा 5² हो जाएगा ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/108.5 इंटू 10^-9 हो जाएगा, ये इक्वल टू 1.1 इंटू 10^7 Z² हो जाएगा ठीक है ना। और फिर ये 1/25 ठीक। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 25-4 हो जाएगा यानी कि 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1.1 इंटू 10^7 Z², और इधर इक्वल टू के इधर साइड देखेंगे तो ये 1/लैम्डा यानी कि 108.5 इंटू 10^-9 हो जाएगा। अब आपको जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी जेड यहाँ पर रखना है, बाकी सब वैल्यू इधर आएंगी। ये आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी ठीक है ना। तो अब देखिए, तो इसका मतलब Z² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बाकी का सारा इधर तो 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 108.5 इंटू 10^-9 इंटू 1.1 इंटू 10^7 इंटू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, सही है ना। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 10^-9 है, ये 10^7 है, तो 10^ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा Z² इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 बाई हो जाएगा 108.5 इंटू हो जाएगा 21 इंटू 1.1 इंटू 10^-2 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 10^2 डिवाइड बाई हो जाएगा 108.5 इंटू 21 इंटू 1.1 हो जाएगा ठीक है ना। अब यहाँ पर जेड इसको सॉल्व आप करेंगे तो Z² की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 4 आएगी, और जब Z² की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 4 आएगी तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 यानी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जेड की वैल्यू 2 आ गई, अब बस जेड की वैल्यू यहाँ पर आपको फिल करनी है और आंसर आ जाएगा। तो बस आपने फार्मूला लगाया ग्राउंड स्टेट के लिए, E1 इक्वल टू -13.6 Z² इक्वल टू -13.6 2² ठीक है, इक्वल टू -13.6 इंटू 4 इक्वल टू 54 माइनस क्या हो जाएगा 54.4, यानी आंसर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, आंसर आएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा 975 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी। तो देखिए, पहले हम इसका ऑप्शन इसका एक स्कीमेटिक बनाते हैं और स्कीमेटिक से इसको समझते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो ए दिया है 3 है, बी 2 है, सी 6 है और डी 10 दिया हुआ। देखिए आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा इक्वल टू 975 एंगस्ट्रॉम ठीक है ना। तो अब जरा यहाँ पर एक बात समझते हैं और उस चीज़ को देखते हैं। देखिए ग्राउंड स्टेट है तो ये N1 की वैल्यू क्या होगी, 1, इसके बाद मान लेते हैं N की वैल्यू कुछ भी है, फिर ये। अब ऐसा हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में जंप किया, ये N2 है ठीक है ना, इसमें जंप किया ठीक। तो जो रेडिएशन था, जो फोटोन आपने दिया, वो फोटोन की लैम्डा जो थी वो कितनी थी, 975 एंगस्ट्रॉम थी, सही है। इसका मतलब है कि यहाँ इसकी जो एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी, डेल्टा ई आ जाएगी, यानी इतने डिफरेंस को ये जो है वो एब्जॉर्ब करके जो है वो जंप किया, और जंप करने के बाद में ये यहाँ पर इसमें आ गया। अच्छा, अब कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी, तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो कितनी लाइंस को एमिट करेगा। तो नंबर ऑफ लाइंस जब आप कैलकुलेट करते हो तो एक फार्मूला आप लगाते हो कि नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम इक्वल टू होता है N(n-1)/2। अब ये N क्या है, ये N जो होता है एक्चुअल में N2 होता है, क्योंकि अपर से ही नीचे आ रहा है ना, तो N की वैल्यू क्या होती है, N2 होती है, बट N2 की वैल्यू आपको यहाँ पर पता नहीं है।
तो अब ये पता कैसे चलेगी? तो देखिए, एक काम करिए कि सबसे पहले तो इस रेडिएशन का, इस वेवलेंथ का एनर्जी कैलकुलेट कीजिए कि ये जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है ये कितना आ रहा है, और उसके बाद उस एनर्जी डिफरेंस को देखिए कि किसके किसके बीच में आ रहा है। बात समझ रहे हैं? मतलब कि इन दोनों के बीच में ये एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, या इसके बीच में आ रहा है, या इसके बीच में आ रहा है, या इसके बीच में आ रहा है, या इसके आगे के बीच में आ रहा है, और डिफरेंस करते जाइए, डिफरेंस करते जाइए, आपको पता चल जाएगा जो एनर्जी डिफरेंस ये आएगा वही एन टू की वैल्यू हाइएस्ट हो जाएगी। सपोज करिए अगर हम एन वन और एन वन इक्वल टू वन और एन टू इक्वल टू टू मान लें, तो आपको ये पता है कि ये वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो मान लो कि हमने डेल्टा ई इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी और ये वैल्यू 10.2 आती है, इसका मतलब है कि एन टू की वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 माइनस 1/2 रख दिया और हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पता चल गई। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि सबसे पहले तो हम ये डिफरेंस को कैलकुलेट करें कि इलेक्ट्रॉन लोअर से जंप कर रहा है अपर में, तो ये एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा, तो वो एनर्जी डिफरेंस हमको पता चल जाए। बात समझ आई ना? उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि ये एनर्जी डिफरेंस किन दो शेल के बीच का है, और जो दो शेल के बीच का है उसमें जो अपर लेवल होगा वो N2 होगा, और वही N2 की वैल्यू यहाँ पर रख के नंबर ऑफ लाइंस को पता कर लेंगे। तो देखिए, एनर्जी को पता करने का, एनर्जी डिफरेंस आप पता करते हो तो ये हो जाएगा एस सी बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको देगी एच क्या प्लैंक कॉन्स्टेंट है 6.626 इंटू 10^-34 इंटू सी की वैल्यू 3 × 10^8 हो जाएगी, और बाई लैम्डा मीटर में आप रखोगे तो ये हो जाएगा 975 × 10^-10 मीटर। ठीक, बट आपको ये बात पता है कि ये वैल्यू जो है वो किस में आएगी, जूल में आएगी, और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कैलकुलेट करते हो, जिससे माइंड में जो सेट रहता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेटा ज़्यादा सेट रहता है, तो आप इस डेटा को जूल में, जूल को चेंज कर लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 3 डिवाइड बाई हो जाएगा 975 और इंटू हो जाएगा 1.6 इंटू 10^-19, चलो सारा डेटा भी लिख देते हैं, इंटू 10^-34 इंटू 10^8 और बाय हो जाएगा इंटू 10^-10। देखिए 975 मैंने सोचा था कि सारी पावर हटा देंगे, लेकिन अब चलिए रख देते हैं और सीधे डेटा पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, सीधे आंसर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जो आती है वो आती है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब आप सॉल्व करके लाते हो तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, यानी कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ये वैल्यू आ रही है, जो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। अब आप ये देखिए कि ये डिफरेंस जो है वो किसके किसके एनर्जी लेवल के बीच में आएगा, और उस हिसाब से आप N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो जरा देखो, N1 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है कि हाइड्रोजन में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो EN इक्वल टू होता है -13.6 बाई एन स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, तो जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझे, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू जो आएगी, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर करोगे तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, सही है ना। तो चलो पहले हम फर्स्ट सेल की कैलकुलेट करें, तो E1, तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो -13.6 बाई 1 स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो भाई E2 के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लो, N की वैल्यू 2 होगी, तो -13.6 बाई क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद 3 के लिए कैलकुलेट कर लो N3, ठीक है, E3, तो ये हो जाएगा -13.6 बाई क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -13.6 बाई 9 हो जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये E4, N की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, -13.4 बाई क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -13.6 बाई क्या हो जाएगा, 16, ये वैल्यू आ जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप जरा देखिए, E4 माइनस अगर E1 आप करते हो, आप डेल्टा ई में यही तो करते हो, EN2 - EN1, आप डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, EN2 - EN1 होता है। तो अगर आप E4 - E1 करते हो, E1 तो आपको हर एक में करना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट से गया है, तो ग्राउंड स्टेट में ही वापस आएगा, ठीक है। तो अगर आप E4 - E1 करो, तो E4 की वैल्यू क्या है, -0.85 है, और -E1 की वैल्यू -13.6 है, ये वैल्यू जो आती है वो आती है +12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। N2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और जब N2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो अब वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो देखिए नंबर ऑफ लाइंस आपने कैलकुलेट की तो क्या आ जाएंगी, तो नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी ये इक्वल टू हो जाएगा N N-1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4-1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आएगा 12/2, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी।
तो आंसर जो आएगा वो 6 आ जाएगा, यानी इसका मतलब है कि आंसर जो करेक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टेकिंग रेडवर कांस्टेंट आर एच इक्वल टू 1.097 इंटू 10^7 मीटर इनवर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज, और आपको दिया हुआ है 2000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम, फिर दिया है 1575 एंगस्ट्रॉम, 2960 एंगस्ट्रॉम, फिर दिया है 6529 एंगस्ट्रॉम एंड 4280 एंगस्ट्रॉम, और फिर दिया है 6565 एंगस्ट्रॉम एंड 4863 एंगस्ट्रॉम। तो इसको कैलकुलेट करना है। क्या क्या रहा है कि आपको जो है वो फर्स्ट और सेकेंड वेव लेंथ ऑफ द बामर सीरीज कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड वेव लेंथ ऑफ बामर सीरीज क्या है। तो देखिए N1 की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है ना, अब N2 की वैल्यू 3 हो गई, और N2 की वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ पर N2 की वैल्यू 4 हो गई, ठीक। अच्छा, ये वाली लाइन कौन सी, तो ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है ना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज है, और ये लाइन कौन सी है, तो ये सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज है, यानी यहाँ पर N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो फर्स्ट लाइन के लिए अगर मैं बात करूं तो N1 की वैल्यू होगी 2 और N2 की वैल्यू हो जाएगी 3, और सेकंड लाइन के लिए अगर मैं बात करूं तो N1 की वैल्यू होगी 2 और N2 की वैल्यू हो जाएगी 4, सही है ना। चलो भाई ठीक, अब आपसे कह रहा है कि भाई रेडवर कांस्टेंट की वैल्यू ये रखनी है, और इसके बाद आपको क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो रेडवर फार्मूला आप लगा देंगे और उससे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए रेडवर फार्मूला आपने लगाया, 1/लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आर एच जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो जेड की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो चलो भाई 1/लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, इक्वल टू RH की वैल्यू 1.097 इंटू 10^7 हो गया, ठीक है। इसको मैं केस 1 ले रहा हूँ, और केस 1 का मतलब ये हो जाएगा कि मैं इसके लिए ले रहा हूँ, और केस 2 जो होगा वो सेकेंड लाइन के लिए ले रहा हूँ, ठीक। अब N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, सही। तो ये वैल्यू हो जाएगी जाके 1.097 इंटू 10^7, और ये हो जाएगी 1/4 माइनस 1/ क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू हो जाएगी 1.097 इंटू 10^7, ठीक है ना, ये हो जाएगी 9 माइनस 4/ क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 1.097 इंटू 10^7 इंटू 5/36 हो जाएगा। ये क्या आ रहा है, 1/लैम्डा आ रहा है। तो 1/लैम्डा जब ये आ रहा है तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 पाई क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1.097 इंटू 10^7। तो इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 10^-7 बाय हो जाएगा 5 इंटू 1.097, और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आती है 6.565 इंटू 10^-7 मीटर। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6565 इंटू 10^-10 मीटर, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 6565 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए ये तो हमने क्या पहला केस निकाल लिया, जब N1 की वैल्यू 2 थी और N2 की वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो आपको समझ में आ रहा है कि 6565 एंगस्ट्रॉम के हिसाब से डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए हम सेकंड वाला भी कैलकुलेट करते हैं, जो हमें सेकंड वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो जब हम सेकंड केस की बात करेंगे तो सेकंड केस में आपको समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा 1/लैम्डा इक्वल टू 1.097 इंटू 10^7, 1/N1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1/N2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.097 इंटू 10^7, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 1.097 इंटू 10^7, और ये हो जाएगा इंटू 3/ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1/लैम्डा की वैल्यू आ रही है, अब इसको लैम्डा में कैन कन्वर्ट करना, तो लैम्डा इक्वल टू 16 इंटू 10^-7 बाय हो जाएगा 1.097 इंटू 3 हो जाएगा, और ये वैल्यू जो आएगी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 4.861 इंटू 10^-7 मीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 4861 इंटू 10^-10 मीटर, और ये वैल्यू आ जाएगी 4861 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4861 एंड 63 दिया, अप्रॉक्सीमेट दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज डज द 121.5 नैनोमीटर लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम लाइज,
लैमिन सीरीज है, बामर है, पाशन है एंड ब्रैकेट है। देखिए आपको एक रेडिएशन दिया हुआ है सीरीज का, और वो रेडिएशन जो दिया हुआ है वो 121.5 नैनोमीटर का दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर मैं बामर सीरीज की बात करूँ तो ज़्यादातर बामर सीरीज ध्यान रहता है, तो बामर सीरीज की रेंज जो है वो 400 नैनोमीटर से लेके और ये 740 नैनोमीटर तक होती है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इस ये रेडिएशन क्या है उससे कम है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले लैमन आता है, इसके बाद बामर आता है, उसके बाद में आपका पाशन आता है, ठीक है, फिर ब्रैकेट आता है, फिर पिफंड आता है, फिर हम्फ्री आता है। बात समझ आई ना? तो आपको एक समझ में आ रही है कि इससे कम वैल्यू आ रही है, यानी कि ये किस में एग्जिस्ट करेगा, ये लैमन सीरीज में यानी कि यूवी रेडिएशन में एग्जिस्ट करेगा। अब यूवी रेडिएशन को अगर आप देखें तो इसकी लेंथ जो आती है तो वो वैल्यू जो होती है वो 91.8 समथिंग नैनोमीटर से जो होती है वो स्टार्ट होती है और 400 से कम होती है। बात समझ आई ना? तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि 121.5 नैनोमीटर जो है वो लैमन सीरीज में आएगा, यूवी रेडिएशन में आएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द डीप ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ऑप्शन ए इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, सी इक्वल टू द हाफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट एंड डी इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक, चलो अब एक बात ये बताओ कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको समझ में आता है कि लैम्डा इक्वल टू जो होता है वो होता है एच बाई एम वी। अब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम या से इसको रिलेट करूं तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एम वी आर एन इक्वल टू होता है एन एच बाई टू पाई। अगर आप एंथ सेल की रेडियस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एम वी आर एन इक्वल टू एन एच बाई टू पाई हो जाएगा, यानी कि हम एम वी की वैल्यू जो है वो यहाँ से क्या अगर कैलकुलेट करें तो ये एम वी आ जाएगा क्या एच बाई लैम्डा हो जाएगा। तो हमने एम वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो ये हो जाएगा एच बाई लैम्डा इंटू आर एन इक्वल टू हो जाएगा एन एच बाई टू पाई। अब ये एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है ना? अब हम यहाँ पर अगर बात करें लैम्डा की, तो लैम्डा अगर हम बात करें तो लैम्डा को हमने रिवर्स किया, तो लैम्डा को रिवर्स किया तो ये लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 पाई आर एन और बाय हो जाएगा एन। अब एन क्या है, एन जो है वो नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है ना? कौन सा ऑर्बिट दिया है यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्बिट दिया है, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब है कि लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर 1 हो जाएगा। एन की वैल्यू जैसे ही आपने 1 रखा तो ये भी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इसका मतलब ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो आपका ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, यानी कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गैसेस मिक्सचर कंटेन्स 40% O2, 40% N2 एंड 10% CO2 एंड 10% मीथेन वाई वॉल्यूम, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर की कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब कि वो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है देन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाते हैं, मोल के हो जाते हैं। बात समझे ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी से कैलकुलेशन करेंगे कि वॉल्यूम जो है वो मोल का है। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या मान के चलेंगे, वेट मान के चलेंगे कि भाई यहाँ पर वेट से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने सॉल्व क्या किया, हमारे पास में पूरा एक मिक्सचर है और मिक्सचर जो है उसमें 40% जो है वो O2 है, 40% जो है वो N2 है, 10% जो है वो CO2 है और 10% जो है वो मीथेन है। यानी अगर हम इसका वेट 100 ग्राम मान लें, पूरे मिक्सचर का वेट 100 ग्राम मान लें, तो यहाँ पर मेरे पास 40 ग्राम जो होगा वो O2 हो जाएगा, 40 ग्राम जो होगा वो N2 हो जाएगा, 10 ग्राम जो होगा वो CO2 हो जाएगा और 10 ग्राम जो होगा वो मेरे पास मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अब हम क्या करें, हमको कैलकुलेट करना है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेपर डेंसिटी भी क्या, किसकी कैलकुलेट करनी, मिक्सचर की, यानी एवरेज वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है, एवरेज वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। क्या होता है एवरेज वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बाई क्या हो जाएगा, 2, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट अगर हमको फाइंड करना है तो हम उसको मोल से फाइंड कर सकते हैं, कैसे भाई, मोल जो होता है वो क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट,
तो मॉलिकुलर वेट अगर हम कैलकुलेट करें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बाय मोल हो जाएगा, सही है ना। यहाँ पर क्या होगा, एवरेज मॉलिकुलर वेट हो जाएगा, ये एवरेज वेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एवरेज मोल हो जाएगा। बातें समझ आई ना, ये एवरेज मॉलिकुलर वेट हो जाएगा, ये एवरेज वेट, ये वो। तो यहाँ पर अब दूसरी तरह समझो, ये हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू वेट ऑफ मिक्सचर बाय मोल ऑफ मिक्सचर। वेट ऑफ मिक्सचर कितना है, 100 ग्राम है। मोल ऑफ मिक्सचर, तो मोल ऑफ मिक्सचर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने मोल हैं। तो चलो भाई पता करो, तो देखो NO2 ये कितना हो जाएगा, वेट कितना है 40 ग्राम और बाई कितना हो जाएगा 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.25 मोल, सही है ना। उसके बाद में NN2 पता करें, तो वेट कितना है 40 ग्राम बाई मॉलिकुलर वेट कितना है 28, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.42 आ जाएगी। उसके बाद हम पता करें NCO2, ठीक है ना, तो NCO2 पता किया तो वेट कितना है 10 ग्राम बाई कितना 44 और ये वैल्यू जो आती है वो 0.22 आ जाएगी मोल, ठीक है ना। उसके बाद में आता है NCH4, ठीक है ना, NCH4 कैलकुलेट किया, ये वैल्यू कितना 10 ग्राम है बाई कितना हो जाएगा 16 और ये वैल्यू आती है 0.625। अब हमने टोटल मोल कैलकुलेट किए यानी कि मोल ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट किए, तो टोटल मोल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.25 प्लस 1.42 प्लस हो जाएगा 0.22 प्लस हो जाएगा 0.625, ठीक है ना। और ये वैल्यू जो आती है वो आती है, सॉल्व आप करेंगे तो 3.515 के आसपास आएगी। इसको देख लेना एक बार सॉल्व करके, माइंड में यही है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये वैल्यू टोटल मोल्स की आती है। अब बस आपको क्या करना है, मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करना है। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा वेट बाई क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, ठीक है ना। अब वेट कितना है, वेट इसका 100 ग्राम है और मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 3.515 आ गए, ठीक है ना। मोल्स कितने आ गए, 3.515 आ गए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व इसको करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाया तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो होती है वो अप्रॉक्सीमेट जो आती है वो आती है कितनी, 29 के आसपास आती है, ठीक है ना। तो मॉलिकुलर वेट आ गया आपका 29, तो आपने वेपर डेंसिटी कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 29/2 यानी वैल्यू आ जाएगी 14.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 14.5 आंसर आ जाएगा।